तो गाइस आज हो रही है बहुत ही ज्यादा गर्मी, इसलिए शिनचैन और मैं आए इस वाटर पार्क में। आज हम बहुत सारी स्लाइड्स करेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये देख सकते हो कितना बड़ा सा स्विमिंग पूल है और यहाँ पे वाटर स्लाइड्स भी। फटाफट से पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं और चलते हैं वाटर स्लाइड्स पर, बहुत ही मजा आने वाला है। अरे पे क्यों, मैं तो सारी स्लाइड्स में 10-10 बार जाऊंगा। अरे हाँ शिनचैन, 10-10 बार चले जाइयो। एक सेकंड, यहाँ पर क्या चल रहा है? आइए आइए आइए, आज तुम सबको मौका मिलने वाला है पेंट हाउस जीतने का। लॉस सेंटोस का सबसे बड़ा पेंट हाउस, जीतिए जीतिए। क्या, लॉस सेंटोस का सबसे बड़ा पेंट हाउस? ये तो बहुत खतरनाक है, मुझे जीतना है। आओ लड़के, क्या तुम जीतना चाहते हो लॉस सेंटोस का पेंट हाउस? हाँ मैं जीतना चाहता हूँ। एनी फेकी में चलो ना, मैं वाटर स्लाइड पर जाना है। अरे शिनचैन रुक जा, मैं पेंट हाउस जीतने वाला हूँ। एनी फेकी में मैं तो अकेले जा रहा हूँ, आप जीतो पेंट हाउस, बाय बाय। बच्चे सबसे पहले देखो ये पेंट हाउस दिखता कैसा है। ओह काइजर, आप देख सकते हो ये पेंट हाउस तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कितना ज्यादा बड़ा और लग्जरी पेंट हाउस है। ये पेंट हाउस अगर मुझे मिल जाए तो मजे आ जाएंगे। इस पेंट हाउस को हम जीत सकते हैं, ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अंकल मैंने पेंट हाउस देख लिया और मैं जीतने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। बच्चे अगर तुम्हें ये पेंट हाउस चाहिए तो तुम्हें मेरे कुत्ते को हराना पड़ेगा। क्या, आपके कुत्ते को? ये कैसा कुत्ता है? बच्चे ये एक सुपर डॉग, मैं तुम दोनों को एक चैलेंज दूंगा, अगर उस चैलेंज में तुम जीतते हो तो तुम्हें मिलेगा पेंट हाउस। क्या, ये तो बहुत इजी है, इस कुत्ते को तो मैं आराम से हरा दूंगा। पर मेरी बात सुनो, अगर मेरा कुत्ता जीतता है तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। क्या, ये कुत्ता जीतेगा तो मेरा घर तुम्हारा? मुझे नहीं लगता ये कुत्ता मुझे किसी भी चैलेंज में हरा सकता है। तो बच्चे क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। बच्चे चैलेंज में जाने से पहले तुम्हें अपनी घर की चाबी इधर रखनी पड़ेगी, ताकि तुम बाद में चीटिंग न करो। अरे बाद में कोई चीटिंग नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है मैं हारने नहीं वाला। चलो फटाफट से अपनी घर की चाबी रख देते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये है मेरे घर की चाबी और ये है इनके पेंट हाउस की चाबी। अगर मैंने इस कुत्ते को हरा दिया तो मैं वो पेंट हाउस जीत जाऊंगा, और मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि कुत्ते को हराना कौन सी बड़ी बात है। चलो अंकल मैं तैयार हूँ। चलो बच्चे हम तुमको पेंट हाउस जिताते हैं। अरे फेंकी भी मैं आ रहा हूँ। अरे वाह, मैं तो पानी में गिर गया, ये तो बहुत ही खतरनाक स्लाइड थी। चलो फेंकी भैया के पास चलते हैं। अरे फेंकी भैया, अरे फेंकी भैया कहाँ चले गए? अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ चले गए? इधर उधर थे, अरे पता नहीं कहाँ चले गए। चलो मैं तो जाके स्विमिंग करता हूँ। ये तो बच्चे तुम्हारा स्वागत है पेंट हाउस जीतने के कंपटीशन में। अगर तुम्हें ये पेंट हाउस चाहिए तो तुम्हें ये चैलेंज कंप्लीट करना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ इस चैलेंज में तुमको क्या करना है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी लो और इस चैलेंज को कंप्लीट करो। सारे के सारे रिंग्स के बीच में से निकल के, फिर से रिंग्स के बीच में से निकल के, फिर इस बड़ी रिंग में जाके इधर से गोल गोल घूमना है। और अगर तुम जाके यहाँ पर गोल करते हो सारी फुटबॉल्स को, तो तुम मेरा पेंट हाउस जीत जाओगे। अरे अंकल ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, गाइस लगता है मैं पेंट हाउस जीत चुका हूँ, क्योंकि गाइस ये तो कुत्ता, ये कौन सी गाड़ी चलाएगा? मुझे ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाना आती है। बच्चे सबसे पहले तुम जाओगे। हाँ अंकल मैं जाता हूँ, पहले अपन चूज करने वाले कौन सी गाड़ी हम चलाने वाले। ये वाली गाड़ी चलाते मस्त सी लग रही है, चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। अंकल पेंट हाउस की चाबी तैयार रखो, क्योंकि मैं ये जीतने वाला हूँ। गाइस वो कुत्ता कितनी भी अच्छी गाड़ी चलाता हो, मुझसे अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता। तो फटाफट से चलते अपनी गाड़ी को यहाँ से कुदाते, और ये सबसे पहला ऑब्स्टेकल है जो कि हमको क्रॉस करना पड़ेगा। और हमारी गाड़ी ऊपर भिड़ गई, पर कोई बात नहीं, अब टेंशन मतलब बढ़िया सी लैंडिंग करने वाले यहाँ पर। तो गाइस अभी आप देख सकते हो अभी हम जाने वाले अपनी सेकंड रिंग में, देखते क्या हम इसमें क्रॉस कर पाएंगे। मुझे लगता है आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये क्या लगता है हमारी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम थी, और वहां पर हमें गोल करना था, और मैं तो सीधा जा रहा हूँ पानी में, मुझे बचाओ। ये क्या हो गया, मैं तो डिस्क्वालीफाई हो गया। बच्चे तुम तो डिस्क्वालीफाई हो गए, अब मेरा कुत्ता करके दिखाएगा। तो गाइस मैं तो सेकंड रिंग पे जाके डिस्क्वालीफाई हो गया, देखते ये कुत्ता करने वाला है। ये कुत्ता मुझे पता है पहली रिंग में गिरने वाला है, इसके पैर भी पहुंचते हैं गाड़ी में, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और अभी देखो ये गया डिस्क्वालीफाई। ओ नहीं हुआ डिस्क्वालीफाई, अरे तो इधर पहुंच गया। अरे कैसे, ये तो सेकंड वाले में पहुंच गए, मुझे लगता है इधर तो पक्का गिर जाएगा, मैं ही नहीं जा पाया तो ये कैसे जाएगा। और कैसे ये क्या, इससे तो ये भी कंप्लीट कर दिया, ये नहीं हो सकता। अरे कैसे अगर इसने ये भी कंप्लीट कर दिया और वहां पे जाके गोल कर दिया तो मेरी तो 12 बजने वाली है। और इसने अपनी गाड़ी को कुदा लिया और ये तो सीधा गोल की तरफ जा रहा है। और ये क्या, ये तो यहाँ पर आ भी गया, ये कैसे हो सकता है? और ये जाके इसने तो गोल कर दिया, मेरे कुत्ते ने सारी फुटबॉल्स को गोल के अंदर डाल दिया है। इसका मतलब बच्चे तुम अपना चैलेंज हार चुके हो और तुम्हारा घर मेरा हो गया। क्या सही में? अरे नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है बच्चे, और ये घर मेरा हो चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकते। चलो मैं अपने घर पर जा रहा हूँ,
अगर तुम्हें आखिरी बार अपने घर को देखना है तो आ जाओ। अरे अंकल प्लीज ऐसा मत करो, मेरा घर मत लो, मैं कहाँ पे रहूंगा। बच्चे मुझे नहीं पता, चैलेंज करने से पहले सोचना चाहिए था, अब तो मैं चैलेंज जीत चुका हूँ तो वो घर तो मेरा हो चुका है। चलो मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। अंकल अंकल प्लीज छोड़ दो, मेरे घर को छोड़ दो। बच्चे तुम्हारा घर कौन सा है? अरे अंकल प्लीज छोड़ दो, जल्दी बताओ। अरे पास वाला। ओ ये घर है क्या? मेरे पेंट हाउस से ये घर बहुत ही छोटा है, पर कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। ओ वाओ, इधर से तो मुझे स्विमिंग पूल भी दिख रहा है, ऊपर टेलीस्कोप भी है। ओ छोटा स्विमिंग पूल, ये घर तो बहुत अच्छा है, मैं इस घर में पिकनिक मनाऊंगा। ये कितना अच्छा घर है ये। अरे अंकल प्लीज ऐसा मत करो, मेरा घर मत लो अंकल, मैं कहाँ जाऊंगा? बच्चे जहाँ जाना चाहो पर मेरे घर से बाहर निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। अरे अंकल प्लीज 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 मुझे मेरा घर वापस दे दो। बच्चे मुझे परेशान मत करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे अंकल पुलिस को मत बुलाना, प्लीज मुझे अपना घर वापस कर दो। अच्छा तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हें अपना घर वापस करता हूँ, थैंक यू अंकल, बाय बाय। बच्चे इतनी आसानी से नहीं, अभी दिन की 12 बज रही है, अगर शाम 6 बजे से पहले तुम मुझे $500 मिलियन लाके देते हो तो मैं तुम्हें ये घर दे दूंगा। क्या 500 मिलियन? हाँ बच्चे घर चाहिए तो 500 मिलियन ले आना, वरना वापस मत आना। अरे काइजर ये क्या हो गया, मैं अपना घर हार गया। मुझे लगा था वो कुत्ते को ढंग से गाड़ी नहीं चलाना आती होगी, पर उसने तो मुझे हरा दिया। और काइजर मैं हार चुका अपने घर को, अब मैं क्या करूंगा? अरे विक्की मैं वाटर पार्क से कहाँ चले गए थे, मुझे तो बहुत ही मजा आ गए। अरे शिनचैन एक बहुत ही बुरा हादसा हो चुका है। अरे विक्की में क्या हो गया? अरे शिनचैन वो अंकल यादव जो पार्किंग में खड़े थे, मैंने उनके साथ शर्त लगाई थी, मैंने अपने घर के साथ उनकी शर्त लगाई थी, अगर मैं जीतता तो मुझे पेंट हाउस मिलता। अरे विक्की मैं जीत गए क्या, कहाँ है पेंट हाउस? शिनचैन अपन जीते नहीं, अपन हार चुके, मैं अपना घर हार गया। अरे विक्की मैं क्या बोल रही हूँ, इसका मतलब हमारा घर चला गया? हाँ शिनचैन हमारा घर चला गया। अरे विक्की मैं अपने ये क्या कर दिया? अरे शिनचैन मुझे नहीं पता था वो इतना ज्यादा खतरनाक चैलेंज होगा, अब क्या करेंगे शिनचैन? अरे विक्की मैं अब तो मैं रोड पर रहना पड़ेगा। शिनचैन मैंने उस ओनर से बात करी है, उसने बोला अगर मैं शाम 6 बजे से पहले पहले उसको $500 मिलियन ला के देता हूँ तो वो मुझे घर दे देगा। अरे विक्की मेरे 500 मिलियन कहाँ से लाओगे? अरे शिनचैन वो तो मुझे नहीं पता कि 500 मिलियन कहाँ से लाऊंगा, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर हमारे पास घर नहीं रहा तो हम क्या रोड पे रहेंगे शिनचैन? ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइजर आज शाम के 6 बजे से पहले पहले हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें $500 मिलियन मिल सके और हम अपने घर को वापस ले सके, वरना हमेशा हमेशा के लिए हमें अपने रोड पर रहना पड़ेगा और हमेशा हम रोड पर रहेंगे। अरे विक्की अगर नन्हे को दीदी को पता चलेगा कि हम रोड पर रह रहे तो क्या होगा? अबे शिनचैन नन्हे को दीदी को छोड़ अपन क्या करेंगे रोड पे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो गाइजर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, $500 मिलियन कहीं ना कहीं से तो ला नहीं पड़ेंगे। गाइजर आप टेंशन मत लो, हम ऐसे हार नहीं मानने वाले, हम कहीं ना कहीं से $500 मिलियन ला के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलो फटाफट से चलते हैं $500 मिलियन जमा करते हैं। तो गाइजर सबसे जल्दी पैसे कमाने का तरीका है चोरी करके, इसलिए गाइजर मैंने एक बहुत ही बड़ी हाइस्ट प्लान करी है, उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इसलिए मैं छोटे छोटे घरों में जाके थोड़ी थोड़ी रॉबरी करने वाला हूँ ताकि मुझे उस बड़ी हाइस्ट के लिए थोड़ा पैसा मिल सके। उस हाइस्ट को करने के लिए मुझे यार खतरनाक वेपन चाहिए और एक खतरनाक सी कार भी चाहिए जिससे मैं भाग सकूं, क्योंकि पुलिस बहुत ही ज्यादा उसमें आने वाली है। तो अभी हम इस घर के अंदर घुसने वाले, लॉकअप ने खोल दिया है, फटाफट से घर के अंदर चलते। टीवी रिमोट एसी हमें कुछ भी दिखाई देगा, मैं सबका सब उठाने वाला हूँ। तो अभी हम अंदर यहाँ पर आ चुके और सामने मुझे सबसे पहले यहाँ पे टीवी दिख रहा है, उससे पहले मुझे ये अलार्म सिस्टम बंद करना पड़ेगा जिससे पुलिस वाले नहीं आए, अगर मैंने ये बंद नहीं किया तो सीधा पुलिस आएगी और मुझे गोली मार देगी जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो फटाफट से इसको बंद करते हैं और अभी इसको यहाँ पे हमने बंद कर दिया। तो गाइजर अभी हमने इसको बंद कर दिया, फटाफट से देखते हैं इस घर में क्या क्या मिलने वाला है। वैसे तो घर बहुत ही छोटा है पर फिर भी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले हम सर्च करने वाले टॉयलेट में और यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। तो गाइजर जितना हो सके हमें कम नॉइस बनानी, क्योंकि पड़ोसियों को पता चल सकता है कि इस घर में कोई आ चुका है। थोड़ी सी यहाँ पे सर्चिंग कर लेते, देखते क्या पता हमें कुछ यहाँ पर मिल जाए। और मुझे एक फोन मिल चुका है, तो गाइजर मुझे एक सेल फोन मिल चुका है जिसको हम बेच के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब थोड़ा इधर भी सर्च कर लिया जाए, देखते हमें क्या मिलता है। और ये क्या, ज्वेलरी। तो गाइजर अभी मुझे यहाँ पे ज्वेलरी भी मिल चुकी है। और गाइजर फटाफट से टीवी को उठाते और यहाँ से निकलते, मुझे और कुछ यहाँ पे ऐसा अच्छा सा दिख नहीं रहा। अभी मुझे ये बड़ी सी टीवी मिल चुकी है, बाकी सब चीजें मैंने सर्च कर ही लिए, एक बार और देख रहे थे कि क्या पता कुछ मिल जाए यहाँ पर, कुछ है क्या। एक बार बाथरूम में और चेक कर लेते क्योंकि मुझे लग रहा है बाथरूम में कुछ हो सकता है। और ये क्या, मुझे एक और सेल फोन मिल गया, मैंने बोला था ना बाथरूम में कुछ हो सकता है, मुझे यहाँ पे सेल फोन मिल चुका है। चलो यहाँ से निकलते,
सारा का सारा सामान हमें मिल चुका है, लगता है यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। फटाफट से इसको डाल देते अपनी वैन के अंदर और चलो फटाफट से निकलते हैं। तो गाइज़र पहली रॉबरी तो बहुत ही अच्छी थी, एक ज्वेलरी, तीन फोन और एक टीवी मिल गई जो की बहुत ही अच्छा है। अब हम जाने वाले अगले घर में चोरी करने के लिए। तो गाइज़र इन ज्वेलरी और फोन को बेच के जितना पैसा आएगा उनसे मैं सारे के सारे वेपन्स खरीदने वाला हूँ और सोच रहा एक मास्क वास्क भी खरीद लूं ताकि किसी को पता नहीं चले किसने चोरी करी है। और गाइज़र सुपर कार तो खरीदना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि गाइज़र अगर सुपर कार नहीं खरीदी तो पुलिस वाले पक्का पकड़ लेंगे। तो गाइज़र अभी मैं इस घर वाले में चोरी करने वाले, पहले इसका लॉक तोड़ना पड़ेगा, ये बहुत ही मुश्किल होता है पर मुझे आता है क्योंकि मैं प्रोफेशनल चोर हूं। आप देख सकते हो ये तीन वाला कर दिया, ये चौथा भी कर दिया, ये पांचवा भी, और ये लॉक खुल चुका है। तो गाइज़र हमारी एंट्री होने वाली है अपने अगले घर में। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे ये वाला घर पहले से बहुत ही खतरनाक लग रहा है। सबसे पहले इसका अलार्म सिस्टम बंद कर देते ताकि पुलिस वाले हमारे पीछे नहीं आए, और ये सिस्टम हमारा यहाँ पर बंद हो चुका है। तो गाइज़र अभी हमें देख सकते हो मस्त मस्त पेंटिंग लगी हुई है पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई अच्छी, मतलब यार महंगी पेंटिंग होगी। एक सेकंड, मुझे सामने तिजोरी दिख रही है, इस तिजोरी में कुछ खतरनाक हो सकता है। पहले हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, इसमें तीन लॉक है जिसको हमको तीनों को खोलना पड़ेगा। और गाइज़र फटाफट से देखते हैं कौन सा कोड, और ये क्या पहला लॉक मैंने खोल दिया। तो गाइज़र अभी मैंने यहाँ पे पहला लॉक खोल दिया है, अब दूसरा और तीसरा बचा है, आराम आराम से करेंगे ताकि हमें कोड पता चल जाए। मुझे कोड पता नहीं है, बस मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ, जहाँ पे लॉक खुलने की आवाज आएगी वहां पे खुल जाएगा, और ये दूसरा भी खुल चुका है। तो गाइज़र दो लॉक हमारे खुल चुके हैं और ये तीसरा तो बहुत ही ईजी था। तो गाइज़र तीसरा लॉक भी खुल चुका है और हमें मिल चुके $42,000 और यहाँ पर आ चुके थे, थोड़ा सा ना भी लेते, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, चलो हमने ना लिया। चलो गाइज़र हमें $42,000 मिल चुके पर हम यहाँ पर रुकने नहीं वाले, पूरे पूरे घर को सर्च करेंगे। सोचो एक ही जगह में 42,000 मिले तो बाकी जगह पे क्या क्या मिलने वाला, यहाँ पे देखते क्या मिलेगा। अरे यहाँ पर भी तो कुछ भी नहीं है, चलो चलो रुक जाओ, इस सोफे के यहाँ पे कुछ हो सकता है, रुक जाओ यहाँ पे सर्च करते कुछ तो मिल जाए, कुछ महंगा सा मिल जाए मजा आएगा। एक और फोन, तो गाइज़र में एक और सेल फोन मिल चुका है, अब थोड़ा किचन में भी देख लिया जाए यहाँ पर क्या पता कुछ मिल जाए, यहाँ पे थोड़ी सर्चिंग कर लेते। और गाइज़र ये क्या हमें मिल चुका है, माइक्रोवेव, LG का माइक्रोवेव एकदम बढ़िया, इसको बहुत ही ज्यादा महंगा होगा, इसको आराम से बेचेंगे। और गाइज़र मुझे यहाँ पे $224 मिल चुके हैं, वो भी कैश में। तो गाइज़र अभी अपना काम तो पूरा का पूरा लगभग हो ही गया, एक बार और पूरा का पूरा घर देख लेते क्या पता कुछ छूट गया हो हमसे। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए यार, हमको सारे के सारे पैसे चाहिए। तो यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से फटाफट से बाहर निकलते। तो गाइज़र ये वाला घर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, बहुत सारे पैसे, माइक्रोवेव और एक सेल फोन मिल चुका है, फटाफट से इसको वैन में डालते। तो गाइज़र जितने पैसे अभी तक मिले उतने सारी वेपन्स तो आ ही जाएंगे आराम से, पर सुपर कार कैसे आएगी, लगता है एक और घर में चोरी करनी पड़ेगी, चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइज़र अभी हम यहाँ पे आ चुके अगले घर में, यहाँ पे कर रहे हैं चोरी, बस इनका लॉक खोलना है और ये बस खुलने वाला है और ये खुल गया। तो गाइज़र इसका लॉक हमने खोल दिया, लॉक तोड़ने में तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका हूँ, और ये घर तो सबसे बड़ा है अभी तक जितने घर में चोरी करी ये वाला घर सबसे ज्यादा बड़ा है। तो मुझे लगता है इधर हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली, तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। मैं यहाँ पे फुल स्पीड में काम करने वाला हूँ क्योंकि गाइज़र हमें अपने घर को कैसे भी करके बचाना है और हमारी बड़ी चोरी का टाइम भी हो रहा है। और गाइज़र आप देख सकते हो अंदर घुसते ये बड़ी सी मूर्ति मिल गई है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा महंगी होगी। अब यहाँ पर भी देख ले क्या कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी पूरे घर को चेक कर लेते हैं। और गाइज़र इसके बाद हम जाएंगे अपनी बड़ी रॉबरी करने क्योंकि गाइज़र मुझे लगता है ये जो मूर्ति मिली ना इससे में बहुत ही महंगी होगी और हम सुपर कार तो खरीद ही पाएंगे। यहाँ पे हमें एक सेल फोन मिल चुका है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो गाइज़र हमारा काम हो चुका है, ये मूर्ति बहुत ही ज्यादा महंगी है और इसको बेच के मैं बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ, फिर हम खरीदेंगे अपनी सुपर कार। तो गाइज़र अभी हम जा रहे हैं फटाफट से अपनी सुपर कार खरीदने, और मैंने चोरी वाले कपड़े पूरे पहन लिए, मैं चोरी करने वाला हूँ, इन्हीं कपड़ों में फटाफट से चलते हैं। पहले हम जाने वाले साइमन की डीलरशिप पे जहाँ से हम खरीदेंगे कार, और यहाँ से मुझे कुछ खतरनाक खतरनाक कार्स दिख रही है जिनको मैं यूज करने वाला हूँ अपनी चोरी करने के लिए। साइमन भाई मैं आ गया। अरे फ्रैंकलिन इतने दिनों बाद, कहाँ थे फ्रैंकलिन? अरे बस ऐसे ही टाइम पास चल रहा था, मुझे कार खरीदनी है, कौन सी अच्छी कार है तुम्हारे पास? अरे मेरी गाड़ियाँ तो सारी की सारी खतरनाक है, जो चाहिए ले लो बच्चे। क्या फ्री में दे रहा है क्या? नहीं 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 पैसे तो लगेंगे। तो गाइज़र आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी मस्त मस्त गाड़ियां मुझे दिख रही है, यहाँ पे एक बुगाटी है और ये पता नहीं कौन सी BMW, और अब एक फरारी भी खड़ी, कौन सी लुयर, एक काम करते हैं फरारी लेते हैं। अरे वो फरारी कितने की है? $5 मिलियन की बस। 5 मिलियन? अबे पागल हो गए क्या साइमन? अरे यार 5 मिलियन की तो 5 मिलियन की बोलूंगा ना। अरे यार 5 मिलियन की, मेरा बजट तो $50,000 था। क्या 50,000? अच्छा रुक रुक मुझे टेस्ट ड्राइव तो करने देगा ना? कर ले कर ले। तो चल ठीक है मैं फटाफट से टेस्ट ड्राइव करके आता हूँ। मेरी गाड़ी मत लेके भाग। अरे पागल है क्या साइमन, मैं तेरा इतना अच्छा दोस्त हूँ, मैं तेरी गाड़ी तो ना लेके भागूंगा। बाय बाय साइमन। तो
कैसे फटाफट से इस गाड़ी को यहाँ से लेकर निकलते हैं। मैंने साइमन को पागल बना दिया, उसको टेस्ट ड्राइव के लिए बोला था, पर ये गाड़ी मैं चुराने वाला हूँ क्योंकि कैसे मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है एक सुपर कार की उस चोरी के लिए। बिना सुपर कार के मैं वहाँ पे चोरी नहीं कर सकता। तो कैसे सुपर कार तो हमें मिल चुकी है, फटाफट जाते अपनी रॉबरी करने। तो कैसे अभी हम आ चुके अपनी रॉबरी वाली प्लेस पे और कैसे हम चोरी करने वाले खतरनाक से ज्वेलरी स्टोर में। इस ज्वेलरी स्टोर को आज हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला रॉबरी करने में। चलो फटाफट इसके अंदर घुसते हैं। और कैसे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको हमें मारना पड़ेगा। फटाफट से अंदर घुसेंगे, चुपचाप से सिक्योरिटी गार्ड को मारेंगे। अबे ये तो पहले ही मारने लग गया। अबे ये क्या जानता है कि मैं चोर हूं? अरे कैसे ये तो वापस उठ गया। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे ये ले। मैंने सोचा था उसको मुक्का मार के मार दूंगा पर ये तो मरा ही नहीं। ए सब के सब चुपचाप नीचे बैठ जाओ, यहाँ पर होने वाली है चोरी। सबसे पहले कैमरा तोड़ देता हूँ, मैं मास्क लाना भूल गया। अरे मास्क भी तो खरीदा था। अरे कैसे मैं मास्क लाना भूल चुका हूँ, तो मेरा ये चेहरा देख लेंगे इसलिए मैंने सारे सारे कैमरा तोड़ दिया। फटाफट से रॉबरी करना शुरू करते हैं। तो कैसे मेरे पास से 1 मिनट 40 सेकंड और 1 मिनट 40 सेकंड में यहाँ पर आने वाली है पुलिस। तो जल्दी जल्दी सारे सारे सामान चुराते हैं। उससे पहले की पुलिस आए और हमको पकड़े, हम सारा का सारा ज्वेलरी चुराने वाले। और कैसे आपको तो पता है ज्वेलरी कितनी महंगी होती है। तो जल्दी जल्दी सारी के सारी ज्वेलरी चुराते हैं। मैंने चेन उठा ली, सारी के सारी अंगूठियां भी दे दो, और मुझे महंगी महंगी वॉचेस भी चुरानी है। और भी अंगूठियां, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, सब की सब चीजें सारी से चुराने वाला हूं। आंटी चुपचाप नीचे बैठ जाओ। मैंने यहाँ पे सबको मार भी दिया क्योंकि इन सब ने मेरी शक्ल तो देख ही ली, इसलिए इनको मारना जरूरी था। और यहाँ पे मैंने सारे सारे नेकलेस भी ले लिए और यहाँ पे सारी सारी घड़ियां पड़ी है, इनको भी अपने डाल लेते हैं बैग में। और कैसा देखा, 7 सेकंड में यहाँ पे पुलिस आने वाली है, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा पुलिस आने वाली है, लॉस सेंटोस की पुलिस को पता चल चुका मैं यहाँ पे रॉबरी कर रहा हूँ। फटाफट से निकलते, टाइम हमारा पूरा हो चुका है, जल्दी जल्दी बैठते अपनी कार में, निकलो यहाँ से। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि हमने ये फरारी क्यों ली थी, ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है पुलिस से पीछे जुड़वाने के लिए। जल्दी जल्दी भगाओ। तो गाइस हमारे पीछे 4 स्टार पुलिस आ चुके हैं और ये पुलिस वाले मेरे अंदर क्यों आ रहे हैं? अरे पुलिस वाले तो पागल आ चुके, मेरे को ठोके जा रहे हैं। और मेरी फरारी इतनी पतली सी है, मेरे को टूट भी जाएगी, मुझे ढंग से चलानी पड़ेगी, कहीं पे ठोकनी नहीं है। फटाफट से पुलिस स्पीड भगाते, तुम पुलिस वाला मुझे भी नहीं पकड़ पाओगे, बाय बाय। चलो गाइस फटाफट से यहाँ से निकल लेते। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं एक सीक्रेट जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पे पुलिस का आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहने वाला हूँ ताकि मुझे पुलिस वाले नहीं देख पाए। यहाँ पे टूटी हुई ट्रेन से रहती है तो यहाँ पर कोई आता नहीं, इसलिए हम यहाँ पर छुपने वाले ताकि हमें कोई देख ना पाए। अब चुपचाप यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे ताकि हमें कोई देखे ना, जब तक पुलिस नहीं चली जाती मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ। तो गाइस हमारा काम हो चुका है, पुलिस जा चुकी है। और गाइस मैं चाह रहा हूँ सीधा ज्वेलरी को डिलीवर करने के लिए क्योंकि गाइस मुझे एक क्लाइंट मिल गया जो कि सारी ज्वेलरी लेके सारा का सारा पैसा मुझे देने वाला है। आपको याद होगा शाम 6 बजे से पहले मुझे $500 मिलियन देने थे, और गाइस अभी सिर्फ 3 बजे और मैं सारा का सारा पैसा इनको देने वाला हूँ। अरे भैया सारी की सारी ज्वेलरी तो है इसके अंदर। हाँ सारे की सारी ज्वेलरी है, फटाफट से ले लो और अपना सारा का सारा कैश ले लेते। चलो गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। और गाइस मुझे तो सिर्फ 500 मिलियन चाहिए थे पर यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं $690 मिलियन, मतलब यार $190 मिलियन एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। तो गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा काम आने वाले, क्या करूँ क्या करूँ, 190 मिलियन का क्या करूँ? रुको मेरे पास एक आइडिया है, पहले मैं 500 मिलियन में अपने घर को खरीदूंगा, उसके बाद 190 मिलियन से अपने घर को अपग्रेड करवाऊंगा। गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, मैं ये सारा का सारा पैसा खर्च करने वाला हूँ अपने घर को अपग्रेड कराने के लिए। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, हमारा घर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। A few moments later. तो गाइस बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, हमने अपने 190 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए अपने घर के ऊपर। आप देख सकते हो हमारा घर एक महल जैसा हो चुका है। रुक जाओ रुक जाओ, पूरा का पूरा घर हम देखेंगे, आप टेंशन मत लो। और गाइस हमने यहाँ पे सिक्योरिटी भी खड़ी कर दी है जो कि हमारे घर का ध्यान रखेगी। अरे विक्की पे मैंने तो नए नए कपड़े भी ले लिए, आप देख सकते हो। और शिनचैन तेरे कपड़े बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, पर अभी हमको तेरे कपड़े नहीं देखने, हमें अपना नया नया घर देखना है। तो गाइस हमारा घर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, एक महल जितना हो चुका है। तो इस घर को हम पूरे का पूरा टूर करने वाले, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ जाते क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पूरा ऊपर गैराज बना हुआ है, तो अपनी गाड़ी को हम अंदर तो लेके जा ही सकते हैं। चलो गाइस फटाफट से गाड़ी को लेके चलते अंदर और देखते हैं अपने घर का क्या हाल है। तो गाइस अभी हम गैराज के अंदर आ चुके और आप देख सकते कितना ज्यादा बड़ा है। पर एक सेकंड, यहाँ पर कोई भी गाड़ियां कोई नहीं है। मैंने सोचा था 190 मिलियन खर्च करूंगा तो थोड़ी गाड़ियां भी मिलेगी, पर यहाँ मुझे कोई भी गाड़ी दिख रही है। कोई बात नहीं, एक और बार चोरी करके और बहुत सारी गाड़ियां भी ला देंगे, पर
अभी नहीं करने वाले, अभी अपना घर देखने वाले। तो गाइस सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है अपना घर तो। और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अंदर वहाँ पे गाड़ियां भी खड़ी है। अरे गाइस मुझे लगता है थोड़ी गाड़ियां तो यहाँ पे जरूर आई है। अंदर चार गाड़ियां मुझे खड़ी दिख रही है, एक बुगाटी, एक लैम्बोर्गिनी, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस हमें यहाँ पे मिली है चार चार सुपर कार्स इस खतरनाक से घर के साथ। बाकी देखते हैं अपने घर में क्या क्या अपडेट हुआ। यहाँ पे अपन खेल सकते हैं गोल्फ, और देखते हैं इधर हमारा हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर स्टैंड, ये तो बहुत खतरनाक है। मैं अपने लिए एक हेलीकॉप्टर भी खरीदूंगा। लगता है थोड़ी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर के लिए हमें एक और चोरी करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे पर अगले एपिसोड में। अभी यार अपना घर देखेंगे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो गाइस रात में तो घर हमारा पूरा का पूरा चमक रहा है, ये तो बहुत खतरनाक है। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको आज अच्छी लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाकर जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।